हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ नाइट वाले वीडियो से रिलेटेड। दोस्तों, नाइट वाला वीडियो एकदम डाउन चला है। मुझे लगा कि ये वीडियो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन लगी मुझे। ठीक है, मैं हर एक चीज़ बारीकी से करता हूँ, चाहे रिप्ले दिखाना हो, चाहे जूमिंग रिप्ले दिखाना हो, चाहे रोटेट करना हो, कुछ भी हो, या वॉइस अप करना हो, या अगर कोई भी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो उसको डबल करके दिखाना कि ये चीज़ें ठीक है। हर एक चीज़ क्लियर कराता हूँ। और इस वीडियो में और भी ज़्यादा मैंने बेस्ट रेस्पॉन्स दिखाया था एपिसोड में। मैंने तो बेस्ट रेस्पॉन्स दिखाया था, पर आपका रेस्पॉन्स एकदम डाउन चला, पता नहीं क्यों। और बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि नई नई लोकेशन लाए ब्रो, नई लोकेशन भी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों डाउन चला एकदम वीडियो। लोग दिखा रहे हैं यक्षिणी से कोई शादी कर रहा है, कोई लक्ष्मी से शादी कर रहा है, ठीक है, कोई फातिमा को जला रहा है, कोई रितु को बोल रहा है कि फातिमा को निकालो, बाहर निकालो, कभी फातिमा खजाना ला के दे रही है उसको। तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, उसको आप क्यों दे रहे हो? आपको पता है कि फेक है, फिर भी जाके क्लिक कर रहे हो। पता है आपको, फिर भी क्लिक कर रहे हो उस पर, 1.5 लाख व्यू दे रहे हो। यार ऐसे को कैसे भूत हो गए? दो दो घंटे सामने खड़ा होता है कैमरे के, हाय हेलो बोलता है, और भाई कैसा है, मैं ठीक हूँ, और भूत की दुनिया में सब ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे लोग आप देख रहे हो वीडियो को। पर मैं हर एक चीज़ क्लियर कराता हूँ। थोड़ा बहुत भी आवाज़ सकता है क्या आपको कि ये बंदा फेक है? हर एक चीज़ कैमरे के सामने होती है, विदाउट कट। अगर कट होता है ना, कट होता है वीडियो, फिर तो आपको लगे, पर बिल्कुल भी कट नहीं होता मेरी वीडियो पे। अगर कई बार कट आ जाता है तो मैं बोलता हूँ हाँ ये कैमरा बंद हो गया, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे कई बार बंद हो जाता है कैमरा, बहुत ही कम बार होता है, पर होता है तो मैं आपको शो करा देता हूँ कि कैमरा बंद हो गया, ऐसे ऐसे करके कैमरा बंद हुआ है, ठीक है। पर मेरा वीडियो लगभग विदाउट कट ही आता है, कट आता ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। और दोस्तों, एक लोकेशन थी फैक्ट्री की, बहुत सारे भाई बहनों की डिमांड थी कि उस लोकेशन पे जाओ, फैक्ट्री और फातिमा वाली लोकेशन है वो, वहां पे फातिमा है, रितु है, जाके क्लियर करो। तो मैं और अवतार भाई ने प्लान बनाया वहाँ पे जाने का कि क्या चीज़ें क्लियर कराएं जाके। तो मैं और अवतार भाई ने उस लोकेशन पे जाने के लिए प्लान बनाया, और दूसरे दिन उस लोकेशन पे हम लोग रवाना भी हो गए थे कि रास्ते में ही एक भाई का फोन आया था कि आपके बारे में उस फैक्ट्री में कुछ बंदों ने प्लान बना रखा है मारने का, पीटने का, क्योंकि जो भी वहाँ पे उन्होंने कुछ यूट्यूबरों ने फेक वीडियो बनाए हैं फातिमा का, रितु का, ये फालतू का उल्टा सीधा जो वीडियो बना रखा है उन्होंने कि कभी बोल रहे कि खजाना ला के दे रही, कभी क्या पता चला। तो अवतार भाई भी पंजाब से थे और मैं यहाँ से, तो हम लोगों ने किया कि वापिस चलना चाहिए कि कितने बंदे होंगे, क्या प्लान, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे दो ही थे, मैं और अवतार भाई। और हम दोनों ने प्लान ये बनाया था कि डबल कैमरे से हम शूट करें, क्योंकि कैमरामैन मेरे पास, अवतार भाई के पास कैमरामैन नहीं है। तो प्रदीप घर पे था, और पर अवतार भाई ने बोला कि आप दोनों, हम दोनों चलते हैं, हम दोनों कैमरा पकड़ लेंगे, कैमरामैन की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। तो वैसा कुछ प्लान था, और सारा प्लान चौपट हो गया उसकी वजह से। तो ऐसे ऐसे लोग प्लान बना रहे हैं हमारे बारे में, क्योंकि हम रियल दिखा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं लोग कि एक्सपोज ना हो जाए। तो हमारा मकसद कोई एक्सपोज करने का नहीं था, हमारा मकसद कोई नहीं था, हमारा बस क्लियर करना था वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सच दिखाना था। देखो सच है वो तो सामने तो मर के आएगा, अब उसको एक्सपोज मानो या कुछ भी मानो, वो तो सामने आएगा लोगों के। तो वो लोकेशन ऐसे कैंसिल हो गई। और दोस्तों, अब वो बात हुई, फिर हम वापस आ गए, और अवतार भाई भी आके लाइव आए थे, बातें हुई थी आपके साथ। तो अब और दोस्तों, नाइट वाले की वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो डाउन चला है, रात वाला बहुत ही ज़्यादा डाउन चला है वीडियो, व्यू बिल्कुल भी नहीं आए हैं,
हर एक चीज कैमरे के सामने होती है, हर एक वीडियो में अलग अलग चीजें होती है, सेम चीजें भी नहीं होती, क्योंकि हर एक लोकेशन में अलग अलग चीजें मिलती है ना, अलग अलग साइन भी मिलते हैं। लोकेशन एक एक से एक बढ़िया होती है, एक नंबर की फाड़ू लोकेशन होती है। ठीक है, लोकेशन छोटी या मोटी हो पर रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी की होती है। ठीक है, और तो दोस्तों अब मेरा कहने का मकसद ये है कि हर एक भाई बहन जो भी है, मेरे व्यूवर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनको मैं ये बोलूँगा ज़्यादा नहीं तो एक एक शेयर कर दिया करो। हर एक बंदा एक शेयर करेगा तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हर एक शेयर, और वीडियो भी काफ़ी व्यू आएंगे ताकि मैं आगे मेहनत कर सकूँ और भी वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखता हूँ, अगर व्यू आते हैं अच्छे, नाइट को डाला है, अगर अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप शेयर करोगे तो ये वीडियो व्यू ले सकता है। प्लीज़, मैं जितने व्यूवर हैं उनको अभी बोल रहा हूँ, अभी मेरे वीडियो फिलहाल देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। ठीक है, या उस चैनल पे जाके उस वीडियो पे आप नाइट वाले वीडियो पे देख सकते हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो वायरल हो, शेयर हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो। अगर उस पे भी आता है तो आगे मैं एपिसोड बनाऊंगा, तो नहीं तो आज के बाद मैं एपिसोड बनाना बंद कर रहा हूँ दोस्तों, सच बोल रहा हूँ। बस इस वीडियो को लास्ट एपिसोड को देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत खर्चा लगता है दोस्तों। ठीक है, बहुत खर्चा लगता है। बाकी दोस्तों देखता हूँ उस लोकेशन वाली, उस नाइट वाली वीडियो के व्यू कितने आते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है कल तक, तो मैं नेक्स्ट बार एक बढ़िया नासू वीडियो लाने वाला हूँ। अगर नहीं आता है तो चैनल बंद करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेक केयर दोस्तों। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो सब कुछ बंद करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों।